हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप ग्रोइंग। मैं हूँ विशाल, स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक्सेल में कुछ एडवांस फॉर्मूले जिसके द्वारा आप MIS रिपोर्ट बना सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं उसके, ये आज हम डिस्कस करेंगे। जब आप एक्सेल देखते हैं और काम करते हैं, सपोज आपने अपने क्लाइंट्स का अगर बिजनेस पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, आपने अपने क्लाइंट्स का यदि डिटेल बनाया है, तो एक पेमेंट भी एक मैटर करता है उसमें आपके बिजनेस में। तो कई बार क्या होता है, जब मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं तब आपको सर्च करने में, ढूंढने में और मतलब उनकी फॉलोअप में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो आज हम ये देखेंगे कि पेमेंट फॉलोअप की शीट हम कैसे बनाते हैं। कि आपने एक शीट में केवल डाटा रख दिया है, एक रॉ डाटा कि पार्टी का नाम, डेट और अमाउंट वगैरह, और उसको एक MIS में कैसे कन्वर्ट करना है और वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे केवल एक सिंगल बटन के क्लिक पर, तो वो आज हम डिस्कस। तो नॉर्मल हमने शीट में कुछ डाटा लिख दिया और केवल एक सिंगल क्लिक पर जो डाटा है वो आपका एक MIS रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो हम आज देखेंगे। कि एक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सेल में बटन कैसे बनाते हैं और कैसे मतलब उसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। मैं जिस डाटा की बात कर रहा था दोस्तों आपके साथ, वो इस प्रकार का डाटा, आप एक रॉ डाटा, जैसे आपने केवल एक डेट लिख दी, डेट के बाद पार्टी का नाम लिख दिया, पार्टी के नाम के बाद एक बिल नंबर लिख दिया और उसका अमाउंट, अमाउंट के बाद एक रिसीव्ड अमाउंट होता है। रिसीव्ड अमाउंट लिखने का मेन मोटिव ये है कि ये आपका मेन बिल अमाउंट हो गया। अब रिसीव्ड अमाउंट में सपोज ये 896 की जो पेमेंट है, तो इसमें सपोज 896 जो रुपीज़ की जो पेमेंट है, इसमें सपोज किसी पार्टी ने अगर 800 रुपीज़ ही पेड किया, तो आप यहाँ पे इसका इजीली 800 ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बैलेंस अमाउंट बन जाएगा, तो ये भी आपको यहाँ पे इजीली मिल सकता है। यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला लगा हुआ है, ये देखिए, इस वैल्यू से इस वैल्यू का माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डाटा मेंटेन करना है। आपने ये डाटा मेंटेन कर लिया, अब हम देखेंगे कि MIS रिपोर्ट इस डाटा की हम कैसे जनरेट करें। और हम यहाँ पे एक डाटा और मतलब डाटा और बढ़ा के भी देखेंगे और उसको देखेंगे कि वो MIS रिपोर्ट में कैसे आ रहा है। एक स्ट्रक्चर मैंने दोस्तों पहले से बना के रखा हुआ है कि ऊपर कंपनी का नाम आ गया, फिर ये पेमेंट रिसीवेबल रिपोर्ट हमने एक कंटेंट मतलब हेडिंग लिख दी, ये डेट आती है दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे कि टुडे का फॉर्मूला लगा दो या नाउ का फॉर्मूला लगा दो आप, तो यहाँ से डेट आ जाती है आपकी। यहाँ पे मैंने सम लगाया हुआ है, इस बिल अमाउंट का टोटल सम लगाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये है कि हमारी जो पेमेंट है, कई बार क्या होता है कि हम किसी को मतलब कोई पार्टी है वो हमने कुछ दिनों की साइट दी, क्रेडिट दिया हुआ, सपोज 15 दिन का, 30 दिन का या 2 महीने का, 4 महीने का, जो भी हम मतलब क्रेडिट देते हैं, तो वो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पेमेंट ट्रैकिंग पोजीशन क्या है उसकी, कि अभी वो जिस डेट में बिल हुआ था और आज की डेट में वो पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पार्टी नेम, अब मुझे क्या करना है कि शीट 2 में डाटा को लेके आना है शीट 1 से। यहाँ पर जो डाटा लिखा हुआ शीट 1 में, ये डाटा मुझे चाहिए है शीट 2 में। तो सबसे पहले अगर मैं पार्टी नेम की बात करूं, तो पार्टी नेम मैं सिंपल सा काम करता हूं, मैं इक्वल टू के फॉर्मूला लगाता हूं। यहां पे एक मैंने इक्वल टू का फॉर्मूला लगाया, ये देखिए यहां पे पार्टी नेम आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने वैलिडिटी, अभी मेरे पास नहीं है वहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे बिल नंबर लिया इक्वल्स टू दिस, ये बिल नंबर आ गया। देन इसी तरीके से हम बिल डेट, ये हमने ले ली, बिल अमाउंट ये वाला लेंगे, क्योंकि यदि कुछ पेमेंट रिसीव हो गई है तो जो बैलेंस बचेगा वो अमाउंट हमें मतलब फॉलो अप करना है। बेसिकली हमें ये याद रखना है कि यदि हम ये वाला अमाउंट लेंगे
और उस पार्टी की कुछ पेमेंट आ गई है तो वो हमें नहीं दिखेगी, इसीलिए हम ये वाली अमाउंट लेंगे, ये आ गई। अब ये है बिल ड्यू डेट। बिल ड्यू डेट का फॉर्मूला दोस्तों मैं आपको क्या अभी बता देता हूँ। इसमें हमने सपोज इस पर 30 दिन का क्रेडिट दिया है, अब 30 दिन मतलब इस डेट से प्लस 30 डेज, ये देखेंगे आप ये 30 दिन बढ़ के आ गई। ये बिल ड्यू डेट कितनी थी, 6 अप्रैल, और यहाँ पे बिल ड्यू डेट कितनी है, बिल डेट थी 6 अप्रैल और बिल ड्यू डेट आ गई 6 मई। इसके बाद टोटल देन ड्यू डेज। ड्यू डेज जो है दोस्तों, ये बिल ड्यू डेज का मैं आपको बेसिकली फॉर्मूला बताता हूँ अभी कि बिल जो डेज है वो कैसे निकालते हैं। हमें क्या करना है, जो हमारी ये जो डेट है इस टुडे से, इसको हमें माइनस करना है, मतलब जो आज की डेट होगी टुडे, ये आज की डेट निकल गई, इससे हम इस डेट को माइनस कर देंगे और इसको हम नॉर्मल ये जो नंबर फॉर्मेट है यहाँ से डेट की जगह हम इसको नंबर सेट कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया, यहाँ से हम इसको अलग कर देंगे तो 461 दिन ओवरड्यू हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इन फॉर्मूलों को आगे बढ़ाएंगे। ये ऑटोमेटिकली इसको बढ़ाने के लिए हम ये फॉर्मूला सेट कर देते हैं। मैं इसको इस पॉइंट से पकड़ के जहाँ तक ट्रैक करूँगा ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा। अब मैं इन सभी को सेलेक्ट करता हूँ और इस तरीके से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखेंगे कि इसको मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि मैंने स्टैटिक डाटा लिखा था। अब ये मैंने 30 ले लिया पूरा। अब ये देखेंगे कि यहाँ तक आ गया। अब मेरे पास डाटा जहाँ तक भी मैं लेना चाहता हूँ, मैं इसको पकड़ के इसे डबल क्लिक पे तो नहीं चल रहा है, ये देखिए यहाँ तक ये डाटा आपका आ गया। अब ये जो जीरो प्लस ये जो ऐसा दिख रहा है, इसको मैं अलग करने के आपको प्रोसेस बताऊंगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों को हम कैसे अलग कर सकते हैं कि हम फॉर्मूले कहीं तक भी लगाएं लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आ रही है ये ना आए, इसे हम डिलीट बार बार डिलीट ना करना पड़े। तो दोस्तों ये डाटा तो हमारा आ गया। अब हम इसकी थोड़ी सी सेल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इनको हमने लिया यहाँ से, ये जो अलाइनमेंट आप टैब देखेंगे होम टैब पर, होम रिबन पर जाएंगे तो यहाँ से आप ये जो वर्टिकल लाइन है इसको आप सेंटर कर लीजिए। कुछ जो हैं जैसे यहाँ से यहाँ तक के जो हैं नेम को छोड़कर बाकी जो वैल्यूज़ हैं इसको आप सेंटर अलाइन कर लीजिए। आप सारी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में, सारी रोज को, और इसकी रो हाइट को हल्का सा कम कर दीजिए। कम करने के बाद इसको आप यहाँ से इस तरीके से इस पर बॉर्डर दे देंगे तो ये आपका पूरा एक तरीके से फॉर्मेटेड डाटा आपको दिखने लगेगा। ये देखेंगे आप, ये अभी जो डाटा दिख रहा है ये काफ़ी अरेंज डाटा है। अब यहाँ पे हमें टुडे जो ड्यू डेज निकाला था, अब इसको हम नीचे ड्रैग कर लेंगे तो ये पर्टिकुलर एक एक बिल का हमें ड्यू डेट बता देगा कि कौन सा बिल कितने दिन ओवरड्यू हो चुका है। ये माइनस में दिखा रहा है दोस्तों, ये देखेंगे ये माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसकी जो डेट है ये है 31 अगस्त और आज है दोस्तों 10 अगस्त, तो ये 21 दिन अभी इसको बाकी है ओवरड्यू होने में। तो इस शीट को, इस MIS रिपोर्ट को बनाने का बेसिकली यही फायदा होता है कि आपको पता चल जाए कि किस पार्टी को आपको फॉलोअप करना है, किस पार्टी को फॉलोअप नहीं करना है या कितने दिन बाद हमें उसमें फॉलोअप शुरू करना है। क्योंकि बिजनेस में कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जब फॉलोअप कर रहे हैं किसी भी पार्टी को तो आप एक ही पार्टी को बार बार फ़ोन लगाते हैं। अब जैसे इसी पार्टी की मैं बात करूँ, इसको 21 दिन बाकी है लेकिन आपने फ़ोन लगा दिया कि पेमेंट, तो यहाँ पर आपका जो है थोड़ा सा फॉलोअप वीक माना जाता है। तो यदि इस प्रकार की कुछ रिपोर्ट आप अगर जनरेट करेंगे तो आपका फॉलोअप बहुत ही मजबूत माना जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि 1 से लेकर 15 दिन के बीच में कितनी पेमेंट्स अभी होने वाली हैं ओवरड्यू,
तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा दोस्तों, इज इक्वल टू इफ एंड, देखेंगे ये लॉजिकल मांग रहा है, यहाँ पे एक लॉजिक मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे इस पर एक लॉजिक लगाया, इस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया माइनस में क्योंकि माइनस में वो जहाँ तक चली जाए, देन सेकंड मैंने लगा दिया एसी सेल पर लेस देन एन इक्वल टू, अभी हमने लिखा है 15, देन अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो इसको प्रिंट कर दे, इस अमाउंट को यहाँ पे प्रिंट कर दे, और अगर नहीं होती है तो ये ब्लैंक प्रिंट कर दे। तो दोस्तों देखेंगे आप कि ये अभी 461 है, तो सवाल ही नहीं होता है इसको ट्रू होने का। यदि मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए ये वैल्यू हमारी ट्रू हो रही है। इस तरीके से आप देखेंगे ये 20 दिन बाकी है इसको, तो ये अमाउंट इसने यहाँ पे ला दिया। अब इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखेंगे दोस्तों जितनी भी वैल्यू जो हमारी थी 0 से 15 के बीच में या 0 माइनस से लेकर 15 तक में दिन तक में जितनी भी वैल्यूज थी उन सब की वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया गया है। अब इसी फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ाता हूँ, दो तरीके हैं फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के, या तो मैं कॉपी कर सकता हूँ या तो मैं दोबारा टाइप कर लूँ। वैसे कोशिश करें कि फॉर्मूले को आप कॉपी कर लें तो गड़बड़ होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल इन वैल्यूज को चेंज करना है। हमने लास्ट लगाया था 15 तक, तो अब हम यहाँ इसको कर देंगे 16 से 30, ठीक है। अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो 16 से 30 में देखेंगे आप, ये 30 16 से 30 में ये वैल्यूज आ रही हैं, इतनी ही वैल्यूज हैं, इनका आप टोटल भी करके देख लीजिए तो वही वैल्यू आएगी। अब मैं फिर फॉर्मूले को आगे बढ़ाता हूँ, अब मुझे क्या करना है 31 से लेकर 45 तक, ये देखेंगे 31 से लेकर 45 तक की जो वैल्यूज होंगी उन सभी का यहाँ पे टोटल आ गया है। तो इसी तरीके से आप पूरी ये जितने भी सेल्स हम जितने भी फील्ड्स हम बना रहे हैं इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसको तो मैंने केवल इतने ही सेक्टर में किया हुआ है, आप इसको 0 से 30, 30 से 60 ऐसा भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको डिटेल थोड़ा सा करके बताया है। अब यहाँ पे आप इसको कर लीजिए 46 to 60, देन above लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको 91 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 999 जो भी करना है आपको वहाँ तक कर सकते हैं। देखिए 461 है, तो ये 461 वाली वैल्यू यहाँ आ गई, इसको आपने सेलेक्ट किया देन ड्रैग कर दिया, तो ये पूरा जो डाटा है ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब आप इसको फॉर्मेट कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये आपकी एक बेसिक रिपोर्ट जो है वो एक सिंपल फॉर्मूले से तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है कि अब जैसे ये कल्याण ट्रेडर्स है, यहाँ कल्याण ट्रेडर्स है, ये विनय है, फिर विनय जनरल है, देन फिर विनय जनरल, ये मतलब एक आपको क्या अरेंज फॉर्मेट दिख रहा है? नहीं, ये बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट नहीं है। तो इसको अरेंज फॉर्मेट में सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सॉर्ट करना होगा। अब सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ तक हमने इक्वल टू का फॉर्मूला लगाया था वहाँ तक का डाटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या यहाँ तक है? नहीं, यहाँ पे हमने
इनको प्लस किया है, तो यहाँ पर इक्वल टू के फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो हमने इतना डाटा सेलेक्ट कर लिया। ये डाटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक अब हमने इसको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने के लिए डाटा रिबन पर जाएंगे और इस शॉर्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको दो तीन प्रकार से शॉर्ट करना होगा। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको नाम से शॉर्ट करना पड़ेगा जिससे कि नाम से बराबर आ जाए, फिर दूसरा आपको डेट से शॉर्ट करना पड़ेगा, बिल नंबर से शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ज़रूरी है आपके लिए कि पर्टिकुलर सीक्वेंस में डाटा आया आपके पास। कि सपोज आपने नाम से शॉर्ट कर दिया और उस एक जो भी बिल है जैसे कल्याण ट्रेडर्स है, इसका सबसे लास्ट वाला बिल पहले दिख रहा है या बीच वाला बिल पहले दिख रहा है, तो इसमें भी आपको एक दिक्कत होगी। चलो हम करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने जैसे इसको ए टू जेड शॉर्ट कर दिया। अब जैसे ये डीसी किराना स्टोर आ गया, दिनेश एंड सन्स आ गया, अभी तो डाटा पूरा फॉर्मेट ही रखा था, तो इसीलिए आपको ऐसे यहाँ पे बिल जो हैं आगे पीछे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब आप कोई बिल सबसे नीचे रखेंगे तो वो एक सीक्वेंस वे में या सीरियल वे में नहीं आएगा। तो इसको हमें क्या करना है, बेसिकली इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट पे गए। बी ये देखेंगे दोस्तों एक ऐड लेवल है, ऐड लेवल का मतलब यही होता है कि एक के बाद दूसरे को सॉर्ट करना। अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ई, ई मतलब डेट, डेट ओल्डेस्ट एंड न्यूएस्ट, की सबसे पुरानी डेट पहले आए फिर उसके बाद न्यू डेट आए, ठीक है। तो इन दोनों से हम शॉर्ट कर लेते हैं। हम तीसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बिल नंबर, लेकिन हम तीसरा नहीं सेलेक्ट करते, हम दो से ही काम कर लेते हैं। हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और शॉर्ट कर लिया। अब यहाँ पर यदि मैं कोई नया डाटा लिखता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक डाटा लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा दिनेश शर्मा का, ये जो डाटा आप देख रहे हैं, सपोज ये डाटा मैंने यहाँ पे बढ़ाया आज की डेट में, दिनेश शर्मा एंड सन्स, इसका बिल नंबर मैंने दे दिया 900 या 884 जो सीक्वेंस चल रहा है, इसका मैंने यहाँ पे देखा ये फॉर्मूले लगे हैं, यहाँ पे मुझे अमाउंट लिखना है, यहाँ मैंने लिख दिया 1000 रुपया, ये फॉर्मूले को कॉपी मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मैं इस शीट 2 में जाऊँगा, यहाँ देखो देखिए दिनेश शर्मा जो है ये सबसे लास्ट में होगा। अब ये मुझे चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पे डाटा इंसर्ट करूँ और एक बटन पे क्लिक करूँ तो ये डाटा अपने आप फिल्टर हो जाए। अभी जो मैं आपको डेट की चीज़ बता रहा था, बिल नंबर की चीज़ बता रहा था, अब सपोज यहाँ पे मेरा एक बिल छूटा था 8 नंबर का, अब चलिए ठीक है मैंने इसको यहाँ से लिया डाटा को, अब मुझे इसको शॉर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि इक्वल्स टू के फॉर्मूले आ रहे हैं, तो जो मेन डाटा है ये है, हमने इसको शॉर्ट किया सी, सी से नहीं करेंगे हम, इसको करेंगे सबसे पहले बी, बी के बाद हमने एक लेवल ऐड किया, लेवल ऐड करने के बाद हमने इसको ए से शॉर्ट किया। अब ए से शॉर्ट करने के बाद हम इसको सी से भी शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि क्या होगा कि कई बार हम करंट डेट में पुराने बिल क्रॉस करते हैं या पुराने बिल निकालते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ये भी चीज़ें चेक करनी होती है। हमने इसको ओके किया, तो अब आप देखेंगे मैंने ये अभी इंसर्ट किया है, ठीक है, तो ये इसमें अच्छा कई बार ये जो मैं अभी तीन मैंने लेवल ऐड किए हैं, इससे एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेक आज की डेट में पुराना बिल कट गया, लेकिन वो आज की डेट में नहीं होना था। जैसे ये वाला बिल है, ये सपोज 20/6 में होना था, तो हमने ये 8/3 में कर दिया, तो हम इसको अब 20/6 में यहाँ पे करेंगे। अब रिजल्ट देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ से अलग हो गया, वो यहाँ से अलग होके वो कहाँ चला गया होगा, ये आ गया 20/6। तो लेकिन क्या होगा कि हर बार जब आप यहाँ पे डाटा इंसर्ट करेंगे तो हर बार आपको क्या करना होगा कि वहाँ पे सॉर्ट करना होगा, और कई बार क्या होगा कि सॉर्ट करने में अगर गड़बड़ हो गई
या कुछ आपने बिना सॉर्ट किए प्रिंट निकाल दिया या फिर बिना सॉर्ट किए कुछ कर दिया, तो एक मतलब होता है कि गड़बड़ चीज़ हो जाएगी। आप वो जो डाटा आप चाह रहे हैं, चाहे वो जो MIS रिपोर्ट आप चाह रहे हैं, वो MIS रिपोर्ट नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए हम इसको ऑटोमेटिकली फार्मूला में सेट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली फार्मूला में सेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, एक बटन जनरेट करनी होगी। मैं इसको प्लग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बटन सेट करने का प्लान कर लेता हूँ। नॉर्मली एक बटन जो सेट करते हैं उसके लिए बटन यहाँ पे हमें बनानी पड़ेगी। बटन बनाने के लिए यहाँ पे मुझे कोई मेन्यू तो दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक मेन्यू इनेबल करना होगा, डेवलपर मेन्यू बोलते हैं उसको। वो इनेबल करने के लिए किसी भी मेन्यू पर मैं राइट क्लिक करूँगा, देन कस्टमाइज द रिबन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये कस्टमाइज रिबन जो ऑप्शन है, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी आ रहे हैं, पॉपुलर कमांड्स, और ये आ रहा है मेन टैब्स। तो ये मेन टैब्स में जब आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारे मेन्यू इनेबल दिख रहे हैं, सारे चेक दिख रहे हैं, केवल एक डेवलपर अनचेक है, ठीक है। तो ये डेवलपर को आप चेक कर देंगे। जैसे ही डेवलपर को चेक करके आप ओके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक ही मेन्यू बढ़ गया, हेयर वी गो। तो अब ये मेन्यू बढ़ गया, तो ये मेन्यू में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैक्रोज वगैरह आप लिखना है, और इसमें प्रोग्रामिंग भी होती है दोस्तों। और ये हमें बेसिकली करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करना है कि हाँ, अच्छा, हमें इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हो और हमें कुछ बहुत सारा कोड लिखना हो। डोंट वरी, आपको केवल जो आप काम कर रहे हैं उसको केवल रिकॉर्ड करना है, मैक्रोज रिकॉर्ड हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको अपने आप यहाँ पे दिखने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आप यहाँ पे क्या करना है, एक बटन को ऐड करना है। अब मैं बटन को ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको कंट्रोल में। इंसर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये फॉर्म कंट्रोल ओपन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे ये लेबल है, देन ये स्क्रॉल बार है, ये चेक बॉक्स है, ये आपका पहला ऑप्शन है बटन फॉर्म कंट्रोल। इस पर आप क्लिक करेंगे, देन क्रिएट अ बटन, ये बटन आपकी बन गई। अब ये बटन वन लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, जैसा भी आपको अरेंज करना है उस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। अब मुझे इस पर इसका नाम चेंज करना है, बटन वन की जगह मुझे जनरेट रिपोर्ट करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, देन आप देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब यहाँ पे आप एडिट टेक्स्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन एडिटेबल मोड पे आ गई। अब आप इस पर जो भी टाइप करेंगे वो लिख जाएगा, हमने लिखा जनरेट रिपोर्ट। मुझे इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी करनी है, मुझे इसको बोल्ड करना है, देन तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया, तो ये देखेंगे बोल्ड हो गया। अब ये बटन तो बन गई, लेकिन अब ये बटन काम कैसे करेगी, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे मैं इस पर ले जा रहा हूँ तो ये केवल एडिटेबल मोड ही ओपन हो रहा है इसका। अब मैं इस पर क्लिक करूँ, इस पर मुझे कोड कैसे करना है, ये काम कैसे करेगी, ये एग्जीक्यूट कैसे होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है कि इस बटन पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही हमने राइट क्लिक किया, देन असाइन मैक्रो, दोस्तों दिख रहा है आपको ये असाइन मैक्रो, इस पर आपने क्लिक किया। यदि आपके पास कोई मैक्रो बना हुआ है पहले से तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे ही आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया बटन पर, तो ये ऑप्शन आ गया आपके पास, और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं शॉर्टकट की जरूर, अदरवाइज आप क्लिक करके ही करें, ज़्यादा उसमें बेनिफिट होता है। इसको आपने ओके किया। अब ये जो मैक्रो है ये रिकॉर्ड मोड में है, यहाँ पे नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रिकॉर्ड स्टॉप करने का बटन रहता है, आप इसको स्टॉप कर सकते हैं नीचे। अब हम जो यहाँ पे करेंगे वो हमारे कोड में लिख जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, ये पूरा डाटा हमने सेलेक्ट किया जितना हमें सॉर्ट करना है,
मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज 300, 350 तक रो ले लिया क्योंकि मेरा डाटा का बढ़ रहा है, तो मैंने 350 तक ले लिया। फिर मैं डाटा मेन्यू पर, और अच्छा हमें यहाँ पे जो भी काम करना है ये माउस से ही करना है। अगर हम माउस से क्लिक करके करेंगे सारा काम तो वो स्टेप बाय स्टेप वो रिकॉर्ड करता चलेगा। अब ये मैंने किया था, ये अभी ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको एक एक बार और सेलेक्ट कर लेंगे। एक एक बार और सेलेक्ट करने से क्या होगा कि वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। अब हमने देख लिया इसको और ओके किया, ओके कर दिया। ओके करने पर क्या होगा कि ये जो हमारा जितना भी मैंने किया ये सब रिकॉर्ड हो गया। अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद देखेंगे अब यहाँ पे ये हैंड बन के आने लगा है। हैंड का मतलब ये है कि ये इस पर प्रोग्राम लिखा जा चुका है। ठीक है, अब मैं एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर लेता। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा कल्याण ट्रेडर्स का। ये मैं आज ही की तारीख में इंसर्ट कर रहा हूँ, कल्याण ट्रेडर्स। बिल नंबर है 600। ये मैंने फॉर्मूले को कॉपी कर लिया और इसका अमाउंट है 5,000। अब मैं शीट टू पर जाऊंगा, ये यहाँ तो दिख नहीं रहा कल्याण ट्रेडर्स। मैं नीचे आऊंगा, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे ये करना होगा कि मुझे पूरे फॉर्मूले नीचे तक पेस्ट करने होंगे, क्योंकि जब रो एग्जीक्यूट रो खत्म हो जाएगी तो फॉर्मूला बिल्कुल नहीं दिखेगा। देखिए अभी दिखने लगा, लेकिन ये दिखना है कहाँ पे मुझे, ऊपर। तो ऊपर देखने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने ये सब काम किया है किसमें, जनरेट रिपोर्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे ये कल्याण ट्रेडर्स हमारा ये देखने लगा। शायद कुछ गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पर ये जो डाटा है ये देखेंगे, ये कल्याण ट्रेडर्स आपका यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी बटन पर काम कर सकते हैं, जो भी एक्शन आप परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यदि यहाँ पे ये जैसे 57 नंबर तक मेरा डाटा, 62 नंबर रो पे मेरा डाटा है, तो यहाँ पे यदि 62 पार हो जाता है या 63 पे यदि मैं कोई डाटा लिखता हूँ तो वो यहाँ नहीं देखेगा। कब तक, जब तक कि मैं यहाँ पे सेल को ना बढ़ा लूँ, मतलब 58 भी 58 तक का मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसकी मार्किंग आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे पहले से ही एक बॉर्डर जनरेट करके रखें कि यहाँ तक आपके पास डाटा है। सपोज यहाँ पे आपको चार डाटा और बढ़ाने, तो सबसे पहले आप ये करें कि चार पांच रो सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट कर लें। तो जैसे आप इंसर्ट करेंगे, अभी 63 तक आ गया, तब देखेंगे यहाँ पर भी 63 तक ही हो जाएगा। तो इस तरीके से काम आप उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा मेन मोटिव था बताने का आपको कि एक MIS रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाती है। अब हमारे पास एक चैलेंज है ये कि जैसे अब यहाँ पे तो डाटा है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है ये रॉ डाटा, तो इसको कैसे अलग करें। तो इसको अलग करने का एक सबसे सरल तरीका है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो हम अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ। अभी एक कंडीशन यहाँ पे लगेगी, यदि इस सेल को मैं कॉपी कर लूँ, इस सेल पर यदि डाटा कुछ नहीं है तो कुछ भी प्रिंट ना करें, अदरवाइज इसी सेल को प्रिंट कर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे डाटा जो है वो 0 हो गया। इसी तरीके से ये तो अभी हमने स्टैटिक डाटा लिखा है, इसके लिए हम अभी आगे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे भी लगाना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
कॉपी करने से ये होगा कि आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपने यहाँ भी लगा दिया, देन ये पॉइंट पर आपने डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली नीचे तक आ गया। सेम फॉर्मूला आपको यहाँ भी पुट करना है, अब यहाँ पे वैल्यूज एक एरर आ गई है, हम इसको भी रिजोल्व करेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, पूरा काम जो है केवल इन्हीं फॉर्मूले का और वैलिडेशन का है, जितना तगड़ा आपका वैलिडेशन होगा फॉर्मुलेशन होगा उतना ही अच्छा आपका यहाँ पे काम होगा। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है दोस्तों, ये एरर आ रही है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है इस एरर, ये इस एरर आप ये लगा देंगे तो ये ट्रू हो गया। अगर इसमें आप ये लगा दिया आपने और इसको आपने यहाँ से अलग कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू आ रही है ये आपको अभी बाइनरी रिजल्ट दे रहा है, इस रिजल्ट को अपन ब्लैंक में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इस एरर लगाया है। अब हम अगर इस फॉर्मूले को इफ एरर कर देते हैं, मतलब कंडीशन यदि एरर है तो यहाँ पे हमें ब्लैंक प्रिंट कर दें, और ये देखिए ये हमने इसको ड्रैग नहीं किया है, इसको हम अलग कर दें, तो यहाँ पे भी हम सेम कर सकते हैं दोस्तों, इफ एरर, अगर एरर है तो ब्लैंक प्रिंट करें, नहीं तो देखेंगे आगे की पूरी वैल्यूज की जो एरर्स हैं ये अपने आप चली गई। तो इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जैसे डीसी कराना है, इसके तीन बिल्स बने हैं, तो इनका बिल जो 16,950 रुपये जो आ रहा है वो यहाँ पर आ जाए, मतलब इज इक्वल टू सम ये, लेकिन केवल सम से काम तो नहीं चल पाएगा क्योंकि ये फिर हमें मैनुअल करना पड़ेगा, तो हमारे MIS पर आने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम एक फॉर्मूला होता है उसको लगाते हैं दोस्तों। देखें सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है रेंज, रेंज मतलब कि इस रेंज को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो डाटा हमें यहाँ पे चेक करना है, मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। रेंज के बाद ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, मतलब इस रेंज को किस क्राइटेरिया से चेक करना है, तो हमने इससे चेक कर लिया कि इस पर्टिकुलर रो पे जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे कि इस पूरे कॉलम में जो रेंज हमने सेलेक्ट की है उसमें डीसी किराना जहाँ जहाँ है उसकी वैल्यू को सम करेगा, कौन से कॉलम से, ये अमाउंट कॉलम से। दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जितना रेंज आपने रेंज लिया है उतना ही सम रेंज लेंगे, मतलब यदि ये आपने लिया है 26 से 62 तो यहाँ पे भी 6 से 62 ही लेना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ तक आ गए, अब ये देखें 16,950 इसने ले लिया, ये ले लिया। अब मैं इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाता हूँ, ये देखिए अब इसने क्या किया, एक फॉर्मूले को यहाँ से आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब ये डीसी कराना में मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे इन दोनों का टोटल चाहिए 5,686, तो ये मिल गया मुझे, अब ये मुझे नहीं चाहिए तो मुझे इनको डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन ये भी हमारा एक सही तरीका नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप नोटिस करें कि ये फॉर्मूला जो है ये आगे ही बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कॉलम को फ्रीज करना होगा। कॉलम को फ्रीज करने के लिए हम इनके आगे डॉलर लगा देंगे, कॉलम के आगे
और रेंज में हम यहाँ पे डॉलर डॉलर लगाने से ये होगा कि ये जो रेंज है ये फ्रीज हो जाएगी, मतलब ये हम ड्रैग करें चाहे कुछ भी करें ये इतनी ही रहेगी। अब बी सिक्स हम बढ़ा देते हैं क्योंकि बी सिक्स जो है ये हमें हर बार चेंज करना है, ये देखेंगे। लेकिन अब इसमें फिर हमारा एक मैनुअल वर्क बढ़ जाएगा कि जहाँ डीसी कराना है वहाँ वहाँ हमें जाके इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब हम ऐसे अगर डिलीट करते रहेंगे, सपोज हमने कहीं से डीसी कराना है कि दो पेमेंट, ये दोनों पेमेंट अगर आ गई और हमने इनको डिलीट कर दिया या पूरी पेमेंट आ गई, तो ये फॉर्मूले हमें फिर से चलाने पड़ेंगे। तो इतना तो फिर मैनुअल वर्क यहाँ पे पड़ जाएगा, एक डिपेंडेंसीज बढ़ जाएगी कि हमें बार बार इस पर क्लिक करना है, नहीं तो हमारी रिपोर्ट जो है वो गड़बड़ मिलेगी। तो अब हम यहाँ पर एक क्या करें कि जब ये वैल्यू मिले तभी इसका टोटल करें, या एक डीसी कराना है अगर टोटल दिखा दे फिर ब्लैंक दिखा दे फिर नई वैल्यू आए तो फिर उसका टोटल दिखा दे। तो उसके लिए हम एक कंडीशन यहाँ पे और लगा लेते हैं, इफ इफ इसके ऊपर वाली रो इज इक्वल टू, अगर नीचे वाली रो है तो कुछ प्रिंट ना करें, नहीं तो सम कर दें। ट्राई करते हैं दोस्तों, यहां तो चल गया, ये ब्लैंक हो गया। अब देखें यहाँ पे भी चल गया, हमें इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, मैं इसको सभी जगह टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखेंगे दोस्तों ये हमारा चल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीसी किराना इस पर ये वैल्यू आ गई, ये तीन रो, फिर दिनेश एंड सन्स का दो। अब यहाँ पे देखेंगे ये इतनी सारी वैल्यूज हैं, तो इन सब का टोटल कितना हो रहा है, 1678130, ये देखेंगे। तो ये पूरी वैल्यूज जो हैं ये अब अरेंज हो गई, अब ये हमारी बन गई है फुल ऑटोमेटिक, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गई हैं। अब हमें केवल क्या काम करना है, शीट वन पे काम करना है। शीट वन पे सपोज मैंने एक ये डीसी किराना का पेमेंट, सपोज ये वाला पेमेंट जो है ये, या दिनेश एंड सन्स का ये पेमेंट जो है ये आ गया है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने इसको डिलीट किया तो यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ देखूंगा कि ये रेफरेंस आ गया, अब ये तो गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। और अच्छा, हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे मिस कर दिया दोस्तों, कि जब हम रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे, जनरेट रिपोर्ट जो बटन है उस पर कोड करेंगे, तो यहाँ पर आकर इतना डाटा सेलेक्ट करके हमें इस पर डबल क्लिक भी करना है, ठीक है। तो इस पर हम कोड एक बार और करते हैं, यहाँ पे गए हमने असाइन मैक्रो किया, हमने इसी मैक्रो को एडिट कर दिया, या फिर हम काम करते हैं हम एक न्यू बटन बना लेते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमने एक न्यू बटन बना ली, क्योंकि देखिए जब आप कोड को एडिट करेंगे, अभी हम बहुत इजी काम कर रहे हैं, जब हम इजी काम कर रहे होते हैं तब हम अगर नया मैक्रो बना ले तो ज़्यादा इजी रहेगा। हमने यहाँ पर रिकॉर्ड बटन पर क्लिक किया, ओके किया, देन हमें पता है दोस्तों कि हमने इनको सेलेक्ट करना है, हम यहाँ पे नॉर्मली 100 तक चले जाते हैं, ये डाटा सेलेक्ट हुआ, हम डाटा मेन्यू पर गए, देन क्लिक ऑन शॉर्ट, शॉर्ट पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली चेक होता है, इसको अनचेक किया, बी ए सी, या हम सी को अलग कर देते हैं, हम केवल बी और ए से इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ये हमने शॉर्ट कर लिया। शॉर्ट करने के बाद हम शीट टू पर गए, शीट टू पर जाने के बाद हमने ये बिल अमाउंट तक, पार्टी नेम से बिल अमाउंट तक सेलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ से 100 तक ड्रैग कर दिया,
100 तक जब ड्रैग करेंगे तो ये 100 तक के जो फॉर्मूले हम चला रहे हैं वो इसको ले लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का इसने काम कर दिया। अब हमें क्या करना है, वापस हम शीट वन पे आए और ये देखेंगे दोस्तों, ये लिखा है क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। राइट क्लिक करके यदि हम इसका नाम चेंज करना है तो हम कर सकते हैं जनरेट रिपोर्ट, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे पूरा काम किया था दोस्तों, ये फिर वैसा ही हो गया, ये हमारी गलती थी क्योंकि हमें ये जो काम करना है वो हमें यहाँ से करना था। तो अब हम यहाँ से फिर से हमें ये सब करना होगा, यदि आपने ध्यान दिया होगा, यदि इसमें ये है ब्लैंक है तो ब्लैंक प्रिंट करें, अदरवाइज वापस इसको प्रिंट कर दें। तो ये फॉर्मूला आपको सब जगह लगाना होगा। तो इस तरीके से आप पूरे जो फॉर्मूले हैं इनको लगा लेंगे तो आपका पूरा डाटा जो है वो सेट रहेगा। इसको मैं अलग कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, आर के एजेंसी का भी यहाँ पे मेरे पास एक ही डाटा है, ये मैंने इसका यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस किया। 6000 रुपये का सपोज एक बिल है, अभी आर के एजेंसी मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं सिंपल इस बटन पे क्लिक करूँगा, ये देखेंगे अब यहाँ पे, ये देखेंगे आप यहाँ पे आपका आर के एजेंसी यहाँ पर आ गया। अब मैं इसी डाटा को इस रिपोर्ट में अगर चाहता हूँ कि रिपोर्ट में भी अपडेट हो जाए तो आप आर के एजेंसी में देखेंगे, ये आर के एजेंसी में ये डाटा यहाँ पर आ गया और इनका टोटल है 33216। देखेंगे दोस्तों ये अपने आप यहाँ पर 33216 भी आ गया, प्लस ये रिकॉर्ड भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, आप मल्टीपल कलर दे दीजिए इसमें, आप जिस हिसाब से भी इसको अरेंज करना चाहें, एक MIS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं कि जैसे ये जो कलर है आप देख रहे हैं तो इसकी फॉर्मेट प्रिंटर से आप इसको कॉपी कर लीजिए, ये मैंने इसको यहाँ तक कर दिया, ये देखेंगे आप पूरा ही सेलेक्ट कर लीजिए और इनको ये देखेंगे दोस्तों। तो ये एक तरह से आपकी MIS रिपोर्ट तैयार हो गई। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको शीट वन में आपको डाटा लिखते जाना, जो भी बिल्स आपके बनते जा रहे हैं, और बिल्स बनने के बाद आपको जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका डाटा पूरा बनता चला जाएगा। अब एक मेजर पॉइंट होता है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि किसकी वैलिडिटी कितनी है या किस पार्टी की कितनी वैलिडिटी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपने अपना डाटा जो भी है आपने कॉपी किया, ये डाटा आपको दोस्तों मैनुअल ही मेंटेन करना होगा, लेकिन एक ही बार बस मेंटेन करना होगा आपको ये रिकॉर्ड, आपको इसको ये डाटा को एक्चुअली मैं फॉर्मूला कॉपी कर रहा था इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा था। आपने इस डाटा को कॉपी किया, एक अगली शीट में गए, आपने डाटा को पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद ये डुप्लीकेट डाटा है, अगर एक एक करके आप छाटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सिंपल जाइए डाटा मेन्यू पर और ये रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन है सर, आप क्लिक करें, ओके करें, तो ये आपका यूनिक डाटा मिल गया। सपोज अभी मैं सभी की वैलिडिटी जो है वो 30 दिन की कर देता हूँ, ये पार्टी नेम हो गया, ये वैलिडिटी हो गई, यहाँ पे हमने एक लिख दिया हेडिंग पार्टी नेम और यहाँ पे वैलिडिटी, इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं,
अब पॉइंट ये है कि ये जो डाटा है, यहाँ से डाटा हमें यहाँ पर लेके जाना है। इसके पहले तो हम इक्वल्स टू के फॉर्मूले से कर रहे थे काम, यहाँ पे जैसे हमने डाटा लेके आया, लेकिन अब यहाँ पे इक्वल्स टू के फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले को बोलते हैं वीलुकअप। देखेंगे हमने यहाँ पे एक वीलुकअप फॉर्मूला लगाया, ये वीलुकअप अगर आपको लिस्ट में नहीं मिलता है तो आप ये ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ढूंढेंगे वीलुकअप तो आपको ये वीलुकअप मिल जाएगा। वीलुकअप पे क्लिक किया, पहला है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब जिस वैल्यू से आपको कैलकुलेशन करना है, तो ये है टेबल एरे। कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है। यहाँ पर भी आप ले लीजिए थोड़ी सी ज़्यादा, आप 50 तक ले लीजिए। कौन सा कॉलम इंडेक्स लेना है, दूसरे नंबर का, और वैल्यू यहाँ पे आप जीरो कर दीजिए, ये आपका फॉर्मुलेटेड आ गया। सेम इसको आप ड्रैग करेंगे, यहाँ पर उसने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलम को फ्रीज नहीं किया था। अब जहाँ पर हमने लुकअप किया वो तो वैल्यू वही रहेगी, लेकिन जहाँ से हमने टेबल एरे लिया है हमें उसे फ्रीज करना होगा। हमने इसको फ्रीज किया, ये फ्रीज करने के बाद जब हम इसको चलाएंगे तो देखेंगे ये पूरी वैलिडेशन वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है जो हमने यहाँ पर फेस की थी। देखिए, एक तो हमने ये इफ कंडीशन लगा दी थी, जब हमें केवल ये चेक करना था कि वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, लेकिन जब हमने एक सेल पर फॉर्मूला लगाया है तब वहाँ पे हमने ये इफ एरर फंक्शन का यूज किया था। तो यहाँ पर भी हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, वैल्यूज या फॉर्मूले के थ्रू आ रही है एक, तो यहाँ पर भी हम इफ एरर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देखते हैं इसे रिजॉल्व होता है क्या। रिजॉल्व हो गया दोस्तों। अब मुझे, मैंने तो अभी यहाँ पे सबके 30 दिन कर दिया था वैलिडिटी, यदि मुझे किसी की वैलिडिटी चेंज करनी है, जैसे दिनेश इंसान की 15 दिन करनी है, दिनेश शर्मा की 45 दिन करनी है, कल्याण की मैंने 60 दिन कर दिया, इसकी मुझे 0 करनी है, इसकी मुझे 10 दिन, इसकी मुझे करनी है 30 दिन ही रहने देता हूँ, और इस तरीके से आपने इन वैल्यूज को सेट कर दिया। तो अब आप अपने रिपोर्ट में जाएंगे, देखेंगे, देखिए जो मैंने वहाँ पे वैल्यू सेट किया था वो वैल्यूज यहाँ पर सेट हो रही है। पॉइंट ये है कि इनके जो ड्यू डेज हैं, और ये जो आपका शीट जो बनने वाला है, जो मेन आपका MIS रिपोर्ट जो जनरेट कर रहा है कि कितना ओवर ड्यू हो गया है, या 0 से लेकर 15 तक कितने अमाउंट पेंडिंग हैं, तो ये आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग पूरा सेट होके मिल जाएगा। ये देखें 45 दिन के अकॉर्डिंग अभी 6 दिन ड्यू हो चुके हैं, 6 दिन ओवर ड्यू हो चुका है 1000 रुपया। इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मल लगाकर इनका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी तैयार हो गई है पूरी फॉर्मुलेटेड एक MIS रिपोर्ट, जिसे आप पेमेंट फॉलोअप रिपोर्ट भी बोलते हैं। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज होता है दोस्तों, यदि आपने बीच में अगर वीडियो मिस कर दिया है तो आपकी ये रिपोर्ट नहीं जनरेट हो पाएगी। तो रिपोर्ट को यदि आपको जनरेट करना है तो पूरा वीडियो देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तभी आप इस प्रकार की जो रिपोर्ट है इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आगे और भी वीडियोज लाऊंगा इसी तरीके से एडवांस फॉर्मूले को लेकर, एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा जो एडवांस फॉर्मूले होते हैं उसको लेकर। मैंने कुछ वीडियोस और भी बनाए हैं मैक्रोस से रिलेटेड, इसमें मैंने जैसे मैक्रोस का यूज़ किया है तो मैक्रोस से रिलेटेड भी वीडियोस मैंने बनाए हैं कि कैसे मैक्रोस को इनेबल किया जाता है, कैसे प्रोग्राम किया जाता है। तो वो भी अगर आपको इस बीच में कुछ डाउट आ रहा है, मैं यहाँ बीच में दिखा सकता था लेकिन मैं लिंक को नहीं तोड़ना चाहता था। यदि आपको देखना है कि मैक्रोस कैसे बनाया जाता है, कैसे कोड होते हैं, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो जरूर देखें जो मैंने मैक्रोस के ऊपर बनाया है, और मैं आगे और वीडियोस देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग।